हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूटी ऑटोमोटिव। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ ये है बजाज एवेंजर 160। जैसे कि बजाज एवेंजर 160 इंडिया में मोस्ट अफोर्डेबल क्रूजर बाइक है, एंड इसी की मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा कि कौन से इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जिसको अगर आप प्लान कर रहे हैं बजाज एवेंजर 160 को परचेज करने की, तो आपको वो ध्यान में रखने चाहिए। तो सभी से दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वीडियो की वो आपको टाइमली मिलती रहे, क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो अब करते हैं वीडियो स्टार्ट। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि जो इसका डिज़ाइन है वो आउटडेटेड सा हो चुका है, एंड 2018 में जो लास्ट अपडेट आया था उसके बाद में इसका कोई भी ऐसा डिज़ाइन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं आया है। तो एक तो ये पॉइंट है कि आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए इसको। सेकंड पॉइंट, इसमें अभी भी सिंगल चैनल ABS ही मिल रहा है, जबकि काफ़ी ऐसी बाइक्स है जो ड्यूल चैनल ABS प्रोवाइड कर रही है। एंड थर्ड जो पॉइंट है इसका, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो एनालॉग में ही मिलता है, एंड काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इसमें मिसिंग लगती है, जो कि अदर इसके अल्टरनेट जो ऑप्शंस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होती है, एंड डिजिटली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता जो है। इसका फोर्थ पॉइंट है वो है इसकी माइलेज, जो कंपनी क्लेम करती है हाईवे पे 53.72 KMPL एंड सिटी में 46.83 KMPL, जो कि इसकी 160cc के अकॉर्डिंग इसकी माइलेज काफ़ी कम है। एंड गाइस, जो इसका फिफ्थ पॉइंट है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी, जो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव की जा सकती है, क्योंकि इसकी जो फिट एंड फिनिश है वो इतनी अप टू द मार्क नहीं है। एंड जो लास्ट पॉइंट है इसके, जो ब्रेक्स हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हाई स्पीड पे जब हम चलाते हैं तो आगे एंड पीछे दोनों हमको ब्रेक लगानी पड़ती है फॉर बेटर रिस्पॉन्स। तो गाइस, ये थे 6 ऐसे नेगेटिव पॉइंट ऑफ बजाज एवेंजर 160 के। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।